खेल संग्राम में आपका स्वागत है। रियो ओलंपिक में आखिरकार भारत के पहले मेडल का इंतजार खत्म हुआ। साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती के 58 किलोग्राम रेपेचेज मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को पहला मेडल दिलाया। इससे पहले साक्षी को क्वार्टर फाइनल में रूस की वोलेरिया कोब्लोवा के हाथों 2-9 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन रूस की इस खिलाड़ी के फाइनल में क्वालिफाई करने के बाद साक्षी को रेपेचेज राउंड में खेलने का मौका मिला। रेपेचेज के आखिरी राउंड में साक्षी की शुरुआत खराब रही और पहले राउंड में 0-5 से पिछड़ गई। लेकिन इसके बाद साक्षी ने शानदार वापसी करते हुए 8 अंक हासिल किए और किर्गिस्तान की एस्लू ताइनी बेकोवा को 8-5 से हरा भारत को कांस्य पदक दिलाया। वहीं भारत की दूसरी महिला पहलवान विनेश फोगाट क्वार्टर फाइनल मुकाबले के दौरान घुटने में लगी गंभीर चोट के बाद बाहर हो गई। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साक्षी को बधाई संदेश देते हुए ट्वीट किया और उनकी इस जीत को ऐतिहासिक बताया। वहीं भारतीय वनडे और T20 कप्तान धोनी और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर अभिनव बिंद्रा ने भी साक्षी मलिक को बधाई संदेश दिया। फिलहाल इस जीत के साथ साक्षी मलिक ओलंपिक के महिला कुश्ती मुकाबले में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए खेल संग्राम।